हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त वरुण ऑलिन नौशाद अली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड माइंस यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुई नई मूवी कंचना 4 के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं अश्विन बाबू, बालिका मधुफेम, अविका गौर, अली और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार। स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो इस मूवी की कहानी घूमती है माया नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द, जो वैसे तो हॉस्पिटल में काम करती है पर उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई शख्स उससे अपने प्यार का इजहार करे, उसको प्रपोज करे या सिर्फ एक बार आई लव यू ही बोल दे तो एक अनजान प्रेत आत्मा उसको उसी वक्त मार देती है। पर कहानी में ट्विस्ट लेकर आता है अपना हीरो अश्विन, जो वैसे तो रिक्शा चालक बना हुआ है पर माया के प्यार में पड़ जाता है, उसको प्रपोज करने की गलती कर बैठता है। फिर होता है आमना सामना अश्विन और उस प्रेत आत्मा का। उसके बाद क्या होगा, क्या वो प्रेत आत्मा अश्विन को मार देगी या अश्विन उस प्रेत आत्मा का खात्मा करके माया को अपनी बना पाएगा। वैसे प्रेत आत्मा है कौन, माया के पीछे क्यों पड़ी है और हर उस शख्स को क्यों मार देती है जो माया को प्रपोज करने की गलती करता है। अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको कंचना 4 मूवी देखनी होगी। चलिए बात करते हैं मूवी के अंदर क्या कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है और क्या कुछ बुरा देखने को मिलने वाला है। वैसे कंचना सीरीज की चौथी मूवी और कंचना सीरीज का जो जोनर है वो हॉरर कॉमेडी है, तो इसके अंदर भी आपको हॉरर कॉमेडी का डोज देखने को मिलेगा। बात करें अगर हॉरर की तो डराने के नाम पर सिर्फ इक्का दुक्का सीन ही देखने को मिलेंगे जिनसे आपको डर लगेगा, और वो भी इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक काफी दमदार है। बाकी इसका जो भूत है, उसका जो मेकअप है, वो आपको डराने में नहीं पर हंसाने में जरूर कामयाब होता है। एक सीन को अगर छोड़ दे, क्योंकि उस एक सीन को देखकर आपको पहली वाली कंचना मूवी की याद आ जाएगी, उसका जो भूत था, जो किन्नर की आत्मा दिखाई गई थी, सेम उसकी फील आपको आएगी। क्योंकि इस मूवी के अंदर भी जो भूत है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, चलने का स्टाइल है, दांतों का कटकटाने वाला स्टाइल है, वो सेम आपको पहली वाली कंचना मूवी की याद दिलाएगा। बाकी तो भूत के जितने भी सीन है सिर्फ आपको डराने में ही कामयाब है। बात करें अगर कॉमेडी की तो जिस मूवी के अंदर अली और ब्रह्मा जी जैसे कलाकार देखने को मिल जाए तो वहां कॉमेडी का लेवल वैसे ही बहुत हाई हो जाता है, पर इस मूवी में इन दोनों के अलावा और भी बहुत सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कॉमेडी दुनिया की जानी मानी हस्तियां हैं और कॉमेडी में अपना पहले ही लोहा मनवा चुकी है और इस मूवी के अंदर भी उन्होंने साबित कर दिया है। तो मतलब कॉमेडी का डोज तो भरपूर देखने को मिलेगा जो मूवी आपको फुल एंटरटेन करेगी। खैर स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो स्टोरी में भले कुछ ज्यादा नयापन ना हो पर मूवी फिर भी आपको बोर नहीं करती। मतलब जगह जगह पर आपको जबरदस्त कॉमेडी का डोज देखने को मिलता है, कुछ एक हॉरर सीन भी देखने को मिलती है, लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। मतलब भरपूर आपका 1.5-2 घंटे तक जबरदस्त एंटरटेन ये मूवी करने वाली है। चलो खैर बात करते हैं एक्टिंग परफॉर्मेंस की। तो जो अश्विन का कैरेक्टर है वो उन्होंने बखूबी ईमानदारी से निभाया है, अपने रोल में काफी अच्छे लगे हैं, खासकर एक्शन सीन्स में जहां उनका जलवा देखने ही लायक है। अविका गौर की अगर बात करें तो उनका कैरेक्टर भले ही पूरी मूवी पर फोकस किया गया हो, उनके कैरेक्टर के ऊपर ही मूवी स्टार्ट ही उनके कैरेक्टर से होती हो, कहानी उनके कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती हो, पर अगर स्टार्टिंग के सीन को छोड़ दो पूरी मूवी के अंदर अविका के कैरेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म मेकर्स भूल गए हैं कि उन्होंने कहानी किस कैरेक्टर पर स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में सिर्फ अविका गौर वाले कैरेक्टर पर फोकस किया जाता है पर उसके बाद सिर्फ अश्विन और प्रेत आत्मा के बीच की कहानी ही देखने को मिली है, तो अविका गौर से एक्टिंग परफॉर्मेंस की ज्यादा उम्मीद करना तो बेईमानी होगी। ओवरऑल जितना उनका कैरेक्टर है, जितना उनको करने के लिए बोला गया है, वो उन्होंने काफी ईमानदारी से किया है। खैर ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो मूवी एक भरपूर आपका मनोरंजन करने वाली है 1.5-2 घंटे के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉमेडी का जो डोज मिलने वाला है वो कमाल का है। एक एक डायलॉग सीन्स या उनके एक्सप्रेशन, जितने भी एक्टर्स हैं हमारे, वो आपको हंसाने में कामयाब हो पाएंगे। एक अच्छी खासी एंटरटेनमेंट मूवी आपको बोल सकते हैं या एक वन टाइम वॉच मूवी भी आप इसको बोल सकते हैं। खैर अगर आपने मूवी देखी है, मूवी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब के गोल्ड माइंस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो भी हिंदी डब भाषा में। डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।